वन वेलकम टू क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं आपका जीके पोर्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के ठीक है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाला पोर्शन भी मैं अपने वीडियोस में कवर करूंगी एंड करंटली हमारा और एक कोर्स चल रहा है स्पेशलाइजेशन का उसका ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया अगर आपने अभी तक नहीं देखा आपको मेरी चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पेशलाइजेशन की वहाँ से आप वो देख सकते हैं और जीके के वीडियोस के लिए भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट जो है मेरी चैनल पे मिल जाएगी तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं ठीक है तो दिस इज मी कुरत मलिक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे कारन क्रंच आई एम एन इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशलॉजी एंड ऑल्सो क्वालिफाइड नेट एंड गोट सिक्स प्लस इयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग बहुत ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एंड आई हेव टॉट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टडी आई क्यू एन एडेडमी आप वहां से जाके मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जी के का जो पोर्शन है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था क्योंकि स्पेशलाइजेशन में ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत आर्टिकल्स एंड एक्ट्स वगैरह की बातें कर ली थी तो आई थॉट कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा तो पहले वीडियोज में हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कॉन्स्टिट्यूशन का प्लस हमने थोड़ा बहुत प्रियम्बल भी स्टार्ट किया था देखो एग्जाम रिलेटेड आपको तो इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे जो मेमोराइज करने होंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिले टॉपिक की एटलीस्ट आपको पता हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड प्रियम्बल क्या है आपका ठीक है सिर्फ फैक्ट्स मेमोराइज करना काफ़ी नहीं है क्योंकि सिर्फ रटोगे चीजें तो वो भूल जाएंगी कॉन्सेप्ट समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू नेवर नो एग्जाम में आपको डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए या थोड़ा कंसेप्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चन आए तो हम फैक्ट्स भी कवर करेंगे सारे एंड कॉन्सेप्ट वो भी मैं चाहूंगी कि आपके सारे क्लियर हो जाए तो आई होप कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हो गया हो तो so, मैंने कहा था ये फ्रेमवर्क है विद इन विच जो स्टेट होती है वर्क करती है इट इज गवर्नड एंड स्टेब्लिश्ड ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड हमने प्रियम्बल भी स्टार्ट कर लिया था प्रियम्बल क्या कहा था मैंने आपको ये इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेसिकली अगर किसी को ये देखना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं अगर वो प्रियम्बल एक बार ही देख ले मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रियम्बल भी दिखाया था अगर किसी ने अभी तक लेक्चर वन नहीं देखा इस प्लेलिस्ट का तो पहले आप लेक्चर वन देखो ठीक है तो मैंने आपको क्या कहा था जो एसेंस है इसका प्रीएम्बल का आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है वो कहाँ पे कैप्चर हुआ है आपके प्रियम्बल में तो अगर चाहते हो आप मेन हाईलाइट देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आपको प्रियम्बल देखना होगा ठीक है तो अकॉर्डिंगली हमने कहा था जो प्रियम्बल है उसमें क्या क्या, -क्या चीजें आपको देखनी थी देखो इसका जो कंसेप्चुअल रिलेटेड टॉपिक जो भी है कंसेप्चुअल एरिया वो हम ऐसे बोर्ड पे कवर करेंगे बाद में जो फैक्चुअल है वो वैसे स्लाइड से पढ़ेंगे और उसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसके लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आपको ज्वाइन करके सारे जो पीडीएफ से मेरे वीडियोज के टेस्ट सीरीज वगैरह वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो ये आपका प्रियम्बल है इसमें मैंने कहा था सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये आपको देखना है क्या है एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे प्रीएम्बल की पीपल ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे ठीक है एंड सेकेंडली जो हमें आज देखना है नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी थर्ड इज ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटी को बोल सकते हो एंड लास्टली इसमें क्या आता है इसका डेट ऑफ एडोप्शन तो ऐसे करके आप अपने नोट्स बना सकते हो आपके लिए सिंपल हो जाएगा बाद में रिवाइज करना इनको नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या प्रियम्पल क्या कहता है कि आपका नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है कि इंडियन पॉलिटी एक सोवेरियन सेक्यूलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ठीक है उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन पॉलिटी में जो आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेंगे इक्वालिटी फ्रीडम लिबर्टी जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी ठीक है एंड डेट ऑफ अडॉप्शन क्या था

ठीक तो क्या देखने को मिलेगा आपको प्रियाम्बल में बेसिकली एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैप्चर करता है तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल से वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जिसने एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था बाद में उन्हीं लोगों ने जब इलेक्शन फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शन हुआ था इंडिया का तो उन्हीं लोगों ने जीता था दैट मीन्स वो लोग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे लोगों को आपके मासस को तो इसीलिए हम बोलते हैं जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से आती है लोगों से और ये चीज कहाँ मैंशन है आपके प्रियम्पल में नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी आपको प्रियांपल बताता है

एंड आपके प्रीएम्बल के भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जो हमारा पीपीटी बेस्ड वीडियो होगा जैसे नॉर्मली हमारे वीडियोस चलते हैं और उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी फिलहाल आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है कि सोवेरियन होता क्या है एंड इन बिटवीन कोई फैक्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी सो so, हम सोवेरियन से स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा लेक्चर किस अराउंड हो गए सारी टर्म्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह सारी हमें पढ़नी है ठीक है तो सोवेरिन क्या होता है सोवेरिन आप किस चीज को बोलते हो आप किस स्टेट को सॉवेरिन बोलोगे वो स्टेट जो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट हो एंड इंटरनली सुप्रीम देखो इसका क्या मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं इंडिया क्या है इंडिया एक सॉवेरियन नेशन है ठीक है इंडिया एक सोवेरियन नेशन है दैट मीन्स इंडिया एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है कि कोई फॉरेन कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकती रूल्स कोई फॉरेन कंट्री हमें ये नहीं बता सकती कि हमें अपने मैटर्स को कैसे सॉल्व करना है हमें अपने मैटर्स को कैसे हैंडल करना है फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई भी इशू चल रहा हो ठीक है कोई भी फॉरेन पॉलिसी लेके आनी हो हमें तो हम इन्फ्लुएंस नहीं हाँ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं पर हमें हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको ये करना है आपको ऐसे करना है हमें कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता क्योंकि हम एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है वी आर ए सॉवेरियन नेशन हमें कोई नहीं जबरदस्ती कर सकता आप ये ग्रुप ज्वाइन करो इस ग्रुप को ऐसे ट्रीट करो ठीक है वो हमारे साथ नहीं हो सकता एंड हम इंटरनली सुप्रीम है दैट मीन्स इंटरनली भी किसका रूल यहाँ पे चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट का भी ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल आप समझ सकोगे जैसे इंडिया में काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं टाइम टू टाइम जिनने प्रॉब्लम क्रिएट की है यूनिटी ऑफ द नेशन में जैसे पंजाब में आपकी मूवमेंट चली थी खालिस्तान की जो कहते थे हमें पंजाब अलग करके दे दो इंडिया से और हमें एक अलग बनाना है खालसा राज हमें लेके आना है ठीक है वो खालिस्तान तो क्या हम उनकी बात मानते क्या पंजाब को अलग किया जाता है इंडिया से नहीं सिमिलरली आपके ट्राइबल एरियाज वो कुछ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस उनको चाहिए थी उनको ऑटोनमी चाहिए थी आपके नक्सल एरियाज ठीक है वो भी कहते थे उनकी अलग कुछ डिमांड्स थी तो क्या हम बाउंड थे हैं इन डिमांड्स को पूरी करने के लिए क्या वो स्टेट पे दबाव डाल सकते हैं कोई भी अगर ऐसा ग्रुप उठ के आ जाए जैसे खालिस्तान जैसा ग्रुप क्या आपके स्टेट पे दबाव डाल के आपको अपना काम करवा सकता है वो स्टेट की मर्जी है ऐसा कुछ वो ग्रुप के पास कोई पावर नहीं है क्यों क्योंकि हम इंटरनली भी सुप्रीम है इंटरनली सुप्रीम मतलब जो गवर्नमेंट लोगों ने चूज की है बाद में उस गवर्नमेंट के पास पावर है वो क्या उसको कैसे स्टेट को चलाना है अंडर द एम्बे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम नहीं है आपकी गवर्नमेंट ठीक है तो इंटरनली सुप्रीम है क्योंकि इंटरनली हमें गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन विद द एड ऑफ गवर्नमेंट कोई भी ग्रुप कल को उठा के मुंह उठा के ये नहीं बोल सकता इंडिया में जी आप ऐसा करो ये रूल लेके आओ ठीक है कश्मीर में भी अगर देखिए हम सेपरेटिस्ट मूवमेंट कितनी चली तो क्या हम बाउंड है कि हम उनकी डिमांड्स माने नहीं हम बाउंड नहीं है क्योंकि हम इंटरनली भी सुप्रीम है एंड एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंट है इसको बोला जाता है इंडिया जो है वो एक सोवेरियन नेशन है ठीक आई होप इट्स क्लियर नाउ िन क्या होता है सेकेंड वन इज योर सेक्यूलर ये टर्म आई होप आई अन श्योर आपने सुना होगा बार बार ये बोला जाता है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है सेक्युलर नेशन है पर बेसिकली सेक्युलर होता क्या है एंड पहले मैं आपको ये बता दूं इसके रिलेटेड uh, एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है पहले से नहीं था मीन सेक्युलरिज्म था कि नहीं दैट इज एन इशू ऑफ डिबेट वो अलग बात है लेकिन प्रियांबल में सेक्युलर वर्ड नहीं था उसको एड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए जिसको बोलते हैं फोर्टी सेकेंड फोर्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था ठीक है आगे और तो वर्ड्स हैं जो आपके इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एड हुए थे क्योंकि प्रियम्बल में ऑलरेडी नहीं था बाद में अमेंडमेंट लानी पड़ी थी आप देखो जहां पे भी आप सेक्युलर वर्ड टर्म सुनते हो इसके आपको दो मीनिंग्स मिलेंगे एक आपको वेस्टर्न सेक्युलर मिलेगा जो वेस्ट कंट्रीज फॉलो करती हैं एक आपको वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मिलेगा एक आपको इंडियन सेक्युलरिज्म मिलेगा जो वेस्टर्न से अलग है ये पहले आप याद रखना ठीक है उनका सेक्युलरिज्म और हमारा सेक्युलरिज्म अलग है अब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या होता है ये कहते हैं जो चर्च है इनका एंड सेक्युलरिज्म बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो कंट्री है ठीक है वो आपके आपकी जो गवर्नमेंट है ठीक है वो आपकी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी ये एक जनरल डेफिनेशन होगी इसकी सेक्युलरिज्म की कि रिलीजियस आप प्रिंसिपल्स में या जो रिलीजन पर्सपेक्टिव्स है रिलीजन को कैसे कंडक्ट करना है वो आपकी स्टेट डिक्टेट नहीं करेगी ये बोलता है आपका जो है सेक्युलर सेक्युलरिज्म इन जनरल अब हम देखते हैं वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या है इंडियन खासकर इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है तो वेस्टर्न आपका कहता है कि चर्च एंड स्टेट जो है वो सेपरेट है और इन दोनों में आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ठीक है लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि जो इंडिया है या इंडियन स्टेट आप मान लो ये इक्वी है फ्रॉम ऑल रिलिजन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलिजन्स दैट मीन्स ये किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं करेगी ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन गवर्नमेंट खासकर किसी एक रिलीजन को प्रमोट या प्रोपोगेट करने के लिए कोई लॉज लाए और दूसरे रिलिजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे ठीक है वो इंडिया में नहीं हो सकता क्योंकि हम सेक्युलर है और जो इंडियन स्टेट है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ऑल रिलिजन्स तो क्या इसका ये मतलब है कि स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी आपके रिलीजन में अब देखो इसमें वेस्टर्न सेक्युलरिज्म तो यही है लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है उसके लिए आपको समझना होगा रिलीजन में दो चीजें आती हैं रिलीजन का एक रिलीजियस इशू होता है एक कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स होते हैं एंड कुछ आपके सेक्युलर एस्पेक्ट्स होते हैं अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स क्या हुए फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो रिलीजन हमारा बिलीव क्या है फाइव टाइम प्रेयर्स फाइव टाइम प्रेयर्स ठीक है जक़ात रोजा वगैरह ठीक है हिंदूज की बात करें तो क्या उनके अपने टेम्पल में जो प्रेयर्स वगैरह वो पढ़ते हैं उनकी अपनी पाठ पूजा जो वो करते हैं सिक्स का अपना है ठीक है एंड हर रिलीजन का कोई सेक्यूलर आस्पेक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल रिलीजन एजुकेशन मेंटेन करने के लिए कुछ करते हैं जैसे अः uh, हिंदूज uh, में आपका चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं हॉस्पिटल्स चलाते हैं सिर्फ एजुकेशन नहीं हॉस्पिटल्स वगैरह मुस्लिम्स में क्या है आपका मदरसा वगैरह ठीक है एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो चलाते हैं और सिक्स के आपके उनके खालसा स्कूल्स हैं तो वो भी आप कही कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड हुए ठीक है तो एक में आपको एस्पेक्ट भी मिलेगा देखने को एंड आपको एक ये वाला एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा जो आपका बिलीफ से रिलेटेड होगा तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि जो आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसमें स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होगी दैट मीन स्टेट आपको ये चीज नहीं बोल सकता है कि आप फाइव टाइम्स नमाज नहीं पढ़ो आज से आप थ्री ही टाइम्स पढ़ोगे या आप रोजा नहीं रखो या टेंपल नहीं जाओ जक़त नहीं दो स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है क्योंकि वो आपका कोर बिलीफ है कोर प्रिंसिपल है कोर आइडियोलॉजी है आपके रिलिजन की लेकिन अगर मदरसा में इन ट्रस्ट्स में इन स्कूल्स में कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे आपके फंडामेंटल राइट पे असर पड़ रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है क्या वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी नहीं स्टेट आपके सेक्युलर आस्पेक्ट्स में बिल्कुल बखूबी इंटरफेयर कर सकती है ठीक है अगर कोई आप देख रहे हो मदरसा है ठीक है वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ कुछ टीचर्स जाती कर रहे हैं या आपके खालसा स्कूल है वहां पे किसी स्टूडेंट को टीचर ने मारा है या स्टूडेंट आपस में कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वहां पे वैसे केसेस में स्टेट को की इंटरफेरेंस बनती है तो जो सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं वहां पे स्टेट इंटरफेयर करेगी और जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स है वहां पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी ये आपका इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो बोलता है ठीक है तो यहाँ पे और एक बात है देखने वाली मैंने आपको पहले भी बात करी है स्पेशलाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्शंस बोले थे जहाँ पे वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात आती है वहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्टेट एक्शन है दैट मीनस स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी ठीक है स्टेट एक्शन की एब्सेंस है एंड जो आपका इंडियन सेक्युलरिज्म है वहाँ पे जो स्टेट है वो एक्ट करेगी जैसे मैंने कहा सेक्युलर एस्पेक्ट्स में अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ आपका कोई जो रिलीजन है वो इंटरफेयर कर रहा है किसी और के फंडामेंटल फ्रीडम के साथ ठीक है तो उन चीजों में क्या करेगी स्टेट एक्ट करेगी तो स्टेट बिल्कुल ही रिलीजन को अलग नहीं करती है खुद से ओवरलुक करती है कि कहीं ना कहीं किसी सिटीजन के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है किसी रिलीजन की वजह से तो जो एबसेंट ऑफ एब्सेंस ऑफ स्टेट एक्शन है इसको बोला जाता है इट इज नेगेटिव इन कैरेक्टर दैट मीन जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उसको हम नेगेटिव इन कैरेक्टर बोलते हैं इस नेगेटिव का मतलब है स्टेट की जो एक्शन है उसकी एबसेंस होगी एंड जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये पॉजिटिव इन कैरेक्टर है क्योंकि इसमें जो स्टेट एक्शन है वो प्रेजेंट होगा ठीक है ये आपका प्रियम्बल है ये आपका प्रियम्बल में जो सेक्युलरिज्म वर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन है तो सेक्युलरिज्म क्लियर हो गया आपको ये मैंने कहा पहले आप याद रखोगे फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है uh, 1976 में लाया गया था फोर्टी सेकेंड उसी से आपका सेक्युलर वर्ड जो है प्रियम्बल में ऐड हुआ था इससे पहले ये वर्ड प्रियांबल में आपके प्रेजेंट नहीं था तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्युलरिज्म भी नेक्स्ट हमारा क्या रहता है सोवेरिन हो गया सेक्युलर हो गया थर्ड वन इज ये सोशलिस्ट सोशलिस्ट ठीक है देखो सोशलिस्ट कंट्रीज कौन सी होती है सोशलिज्म होता है जहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो किसके अंडर होता है वो स्टेट के अंडर होता है दैट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी का वहाँ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है प्राइवेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जैसे यहाँ पे अम्बानीज कितने रिच हैं ठीक है थीके? तो अंबानीज के पास कितनी सारी वेल्थ होगी तो वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होता है ठीक है उनके पास क्या होता है किसके पास सारा ये होता है कंट्रोल स्टेट के पास होता है बाद में स्टेट क्या काम करता है ये काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ठीक है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी प्रॉफिट वहां से आता है का आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों में ताकि लोगों का जो वेलफेयर है वो उसको वो हमेशा मेंटेन करके रख सके तो ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट का या सोशलिस्ट कंट्रीज का अब इंडिया में आप सोचोगे हमने सोशलिस्ट वर्ड क्यों ऐड किया क्या लेकिन इंडिया में तो हमारे पास अंबानीज की एग्जाम्पल है प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे प्राइवेट बैंक है प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ठीक है तो इंडिया में बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है आपका मिक्सड इकोनमी का दैट मीन्स यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी है लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन को या इस जो प्राइवेट वेल्थ है प्राइवेट इकोनॉमी जो डेवलप हो रही है उसको ओवरलुक करेगी आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल आपको अपने हाल पे नहीं छोड़ेगी ठीक है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इसमें रहेगी ये आपको याद रखना है इंडिया फॉलो करती है मिक्सड इकोनॉमी का मॉडल जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करेगी ठीक है आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंटरफेयर करेगी ये भी देखिएगी कि वेलफेयर ऑफ लोग जो है वेलफेयर ऑफ मासेस उनके लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कहीं आप ऐसी जो प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं वो कोई ऐसी पॉलिसीज तो नहीं लेके आ रहे जिससे गरीब आम जनता की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ये मॉडल इंडिया फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ मिक्सड इकोनमी ठीक है और बाहर क्या होता है जो आपकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जैसे आपकी जो एडवांस कंट्रीज हैं यूके यूरोप वगैरह यूएस वहां पे क्या होता है वहां पे कॉन्सेप्ट आपका लेजीज फेयर वाला लेजीज फेयर क्या कहता है आपका मिनिमम और नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ठीक है ये आप याद रख लेना ये टर्म हो सकता है एग्जाम में पूछे आपको लेजीज फेयर क्या होता है तो ये हो गया आपका सोशलिस्ट का यहाँ पे आपको याद रखना है इंडिया में हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं इंडिया में आपका मिक्सड इकोनमी का मॉडल फॉलो करते हैं तो आप एक टर्म से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इंडिया में आपका बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है दैट मीन्स आप लोगों के लिए काम भी करते हो लेकिन आपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे फ्लरिश होने दिया क्योंकि आपको क्या चाहिए आपको जब इंडिया आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद तो यूजुअली हम सोशलिस्ट वाला मॉडल ही फॉलो करते थे क्योंकि जो गांधी थे इंदिरा गांधी वो इसकी बिलीवर थी सोशलिज्म की ठीक है और उन्होंने क्या लाया था उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज किया था कि स्टेट के अंडर सारे बैंक्स वगैरह लेके लेके आए ले थे वो तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन्हें लेके आई थी लेकिन लेटर रियलाइज हुआ कि नहीं आपको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन बनाना पड़ेगा Of banks. बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, आपको को थोड़ा करना पड़ेगा. के सारा नहीं रखना होगा उससे क्या हो जाता है आपकी कंट्री की डेवलपमेंट होती है खुद ही देख लो यूएस वगैरह वहां पर अगर एक्सप्लाइटेशन एक लेवल पेट इज अ डिफरेंट डिबेट लेकिन वो डेवलप्ड काफी ज्यादा है तो आपको पैसा भी चाहिए तो 1991 में क्या किया था हमने फॉलो किया था एलपीजी मॉडल लेके आए थे एलपीजी मॉडल एल फोर इज योर लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन ठीक है तो थोड़ा हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था उससे पहले हम सोशलिज्म ही ज्यादा फॉलो करते थे और ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये भी पहले प्रियांबल में प्रेजेंट नहीं था ये बाद में इंदिरा गांधी ने ऐड किया था थ्रू फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तो कौन से कौन से वर्ड्स हमने देखे एक हमने देखा सेक्युलर वो भी पहले प्रेजेंट नहीं था सेकेंड हमने क्या देखा सोशलिस्ट ये भी पहले प्रेजेंट नहीं था आपके जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह इंदिरा गांधी है सोशलिज्म मॉडल पे बिलीव करते थे लेकिन बाद में इकोनमी को ओपन करना करना पड़ा एंड एल मॉडल जो है नाइनटीन में लेके आए थे ठीक है तो ये सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड किससे ऐड हुए थे आपके फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन से तो ये republic. Republic आपका क्या कहता है रिपब्लिक कहता है जो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है दैट मीन ऐसा कोई किंग वाला रूल नहीं है मोनार्कल सेटअप नहीं है जिसमें क्या होगा एक किंग का बेटा है फिर बाद में वही किंग बनेगा ठीक है वही आपका किंग अगर हेड ऑफ स्टेट है कल को उसका बेटा हेड ऑफ स्टेट बनेगा वो सेटअप इंडिया में नहीं है इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है दैट मीन जो आपका हेड ऑफ स्टेट है उसको इलेक्ट होना पड़ेगा यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है आपका प्रेजिडेंट तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है दूसरी चीज क्या है इसमें इसमें एबसेंस है किस चीज की किसी प्रिविलेज क्लास की एबसेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास That means, कल को अगर आप चाहो आप भी प्रेजिडेंट बन सकते हो जो पब्लिक ऑफिस हैं वो कॉमन है सबके लिए आर ओपन टू ऑल ठीक है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है वो मैंने आपको बताया है क्या होती है हमने स्पेशलाइजेशन में भी डिस्कस किया है पर वो एक्सेप्शन रूल में आता है अगर जनरल रूल देखें इंडिया रिपब्लिक है हेड ऑफ स्टेट हमारा इलेक्टेड होगा और इसमें एबसेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लासेज होती है अगर आप कल को चाहो आप भी कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन के लिए आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हो फाइन एंड जो ये पब्लिक ऑफिस है ये सबके लिए ओपन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं हमारी जो कंट्री है वो रिपब्लिक है हम डेमोक्रेटिक भी हैं रिपब्लिक भी हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए हम डेमोक्रेटिक भी हैं प्लस हम रिपब्लिक भी हैं ऐसी कौन सी कंट्री है और जो डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है एग्जाम्पल में आपका चाइना उनका हेड ऑफ स्टेट जो है वो मोनार्की डिसाइड करती है 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 ठीक वहां पे अभी भी वही रूल चलता है, लेकिन कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है फाइन तो ये हुआ आपका रिपब्लिक फोर्थ फिफ्थ वन इज अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम सबसे बच्चों ने सिविक्स में पढ़ा है बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल कि आपको लोग डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है गवर्नमेंट में आप इलेक्ट करते हो अपने लीडर्स को जो कल को रूल करते हैं तो रिप्रेजेंट कौन होते हैं लोग इसीलिए इसको बोला जाता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एटलीस्ट ऑन पेपर तो डेमोक्रेसी यही होता है देन डेमोक्रेसी में भी आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ठीक है एंड आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चलती है एंड सोशल डेमोक्रेसी ये तीन टाइप की डेमोक्रेसीज आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दी जाती है पॉलिटिकल होता है आपको वोट इलेक्शन वगैरह राइट टू वोट है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन दिया जाएगा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है इकोनॉमिकली भी आप आजाद हो कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स हैं कंज्यूमर एक्ट है ठीक है कोई टैक्स है जीएसटी वगैरह जो आप पे करते हो जो इनकम के अकॉर्डिंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स को पे करना होता है लेकिन पे ऑलमोस्ट हर कैटेगरी को करना पड़ता है ठीक है सोशल डेमोक्रेसी है कि हम यहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं यूर ऑल इन द लॉज ऑफ इन द आईज ऑफ लॉ यू ऑल आर इक्वल ऑल आर इक्वल तो ये होती है सोशल डेमोक्रेसी ठीक है जैसे किसी एक क्लास को आप प्रमोट नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि है कि हाई क्लास है सिर्फ वही एक पर्टिकुलर एग्जाम देंगे ऐसा कुछ इंडिया में नहीं होता है दैट मीन्स यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है इकनॉमिक डेमोक्रेसी भी है इकनॉमिकली भी आपको क्या होता है लोगों के लिए काम होता है वो कैसे होगा अगर आपके साथ कुछ गलत होगा कंज्यूमर कोर्ट हैं कंज्यूमर एक्ट के अंडर जो रन करते हैं आप इकट्ठे टैक्सेज पे करते हो ठीक है ऐसा कुछ नहीं अगर कोई लेबर काम कर रहा है उसके कुछ फिक्स आर्स हैं जितने में उसको काम करना होगा फिर वो उसको वेजेस क्या प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए आपका एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट का दैट मीन इकोनॉमिकली भी लोगों का ध्यान रखा जाता है सोशल डेमोक्रेसी में यही आएगा कि सोशली भी आप इक्वल हो ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ ठीक है तो वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन ऑल्सो ठीक है तो ये सारी चीजें जो हमने प्रीएम्बल में देखी नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी में एक बार फिर से हम ऊपर चलते हैं तो ये हो गया नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्लियर हो गया आपको हम सोवेरियन हैं क्लियर सेक्युलर है सोशलिस्ट है डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है ठीक है अब ये कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं इक्वालिटी फ्रीडम लिबर्टी जस्टिस फ्रेटर्निटी ये आपने सुनी होंगी कई बार ये क्या होती है वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे इक्वालिटी आपको पता है क्या होता है कि हम इक्वल हैं ठीक है जैसे पहले भी मैंने कहा इन द आईज ऑफ लॉ हम सारे इक्वल हैं ऐसा नहीं है कि बोल सकते हैं कि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते ऐसा कुछ नहीं होता है तो इंडिया में इक्वालिटी है लेकिन ये किस टाइप की इक्वालिटी है यू ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल एंड यू आर बींग गिवन इक्वल ऑपरचुनिटी टू बिकम अनुल ठीक है ये आप ये स्टेटमेंट याद रखो इक्वालिटी की कि इंडिया में आपको मिलती है इक्वल अपॉर्चुनिटी बिकम अनईक्वल्स ठीक है उसका क्या मतलब हुआ आप सबके को ये अपरचुनिटी मिली है सुपरवाइजर एग्जाम देने की <coughs> ठीक है कितने लोग फॉर्म भरते हैं एंड पोस्ट कितनी होंगी फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड फॉर्म भरेंगे एंड हंड्रेड पोस्ट होंगी और उसमें क्या होगा इन टेन थाउजेंड को जिनकी मर्जी थी एग्जाम देने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन इसमें से सिर्फ थाउजेंड सेलेक्ट हो गए तो कल को जो बाकी यहाँ पे रह गए वो इनके बराबर नहीं है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए ठीक है दैट मीन्स आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इन सबसे खुद को बेटर प्रूव कर सको तो ये इस टाइप की इक्वालिटी है कि आपको इक्वल ऑपरचुनिटी मिलती है टू बिकम अनुअल्स फिर इक्वालिटी हमें आगे फंडामेंटल में में भी डिस्कस करना है डिटेल जिसमें हम इक्वालिटी बिफोर लॉ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ देखेंगे यहां पे आप इतना समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको किस टाइप की अपॉर्चुनिटी देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनुअल वो कैसे वो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया सेकेंड इज योर लिबर्टी आपको प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है लिबर्टी ऑफ थॉट ये लिख लेना ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ठीक है इसको आप एस ए बी टी ई बी एफ डब्ल्यू करके याद रख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है सारे टर्म्स एग्जाम में आ सकते हैं कि लिबर्टी ऑफ कौन सी प्रोवाइड करता है प्रियाम्बली कॉन्स्टिट्यूशन आपका तो वहां पर चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं हो सकता है एक ऑप्शन कोई और उन्हें ऐड करके लिखा हो ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ठीक है वो ये क्वेश्चन है कि जब हमने सेक्युलरिज्म पढ़ा हमने कहा कि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ये ऐड हुआ फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स से ठीक है तो क्या किसी के दिमाग में ये डाउट आया कि क्या इंडिया से से पहले पहले कम्युनल था। था? क्या क्या इंडिया 1976 से पहले नहीं था? क्या किसी के दिमाग में डाउट आया अगर आया तो वेरी गुड दैट मींस आप बिल्कुल जागे हो लेक्चर में तो ऐसी बात नहीं है तब इंडिया कम्युनल नहीं था तब प्रियम्बल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमें लिबर्टी दी जाती थी अपने बिलीफ फेथ और वर्शिप के लिए ठीक है तो वो लिबर्टी हमारे पास पहले से थी प्रियम्बल में बाद में वर्ड ऐड हुआ क्योंकि कुछ कम्युनलिज्म कम्युनल एलिमेंट्स जो सोसाइटी में आते हैं कम्युनल राइट्स कहीं पे होने लगे तो इस वजह से जरूरी हुआ कि इस वर्ड को भी हम मेंशन करें और इस पे लॉज हम लेके आए ठीक है और हम खुद को क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा वो क्या डॉक्ट्रीन देखेगा वो हमारा प्रियांबल पढ़ेगा समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ताकि इस वर्ड को हाईलाइट किया जाए प्रियम्बल में कि इंडिया इज ए सेक्यूलर कंट्री और ये बात पूरी दुनिया को पता चले अदरवाइज हमारे प्रियम्बल में पहले से ही मैंशन था कि हमें लिबर्टी है अपने बिलीफ को फेथ को वर्शिप को चलाने की ठीक है अब आपको इसमें दो वर्ड्स मिलेंगे जो भी हमने ऑब्जेक्टिव देखे एक आपका लिबर्टी है एक आपका फ्रीडम है ठीक है मतलब दोनों का आजादी है तो किस तरीके की आजादी हुई तो लिबर्टी जब हम बात करते हैं वो हम कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ठीक है विध रेस्पेक्ट टू स्टेट तो कहीं अगर हम लिबर्टी ये बोले ये आपकी लिबर्टी है ये आपका फ्रीडम है फ्रीडम आपका जनरल टर्म है विद रेस्पेक्ट टू ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी का मतलब हुआ कि स्टेट आप पे कोई कॉन्स्ट्रेंट पुट नहीं करेगा तब हम बात करते हैं ओनली विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ठीक है फिर अगर स्टेट कोई ऐसे लॉज लेके आए जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन के स्टेट आपको बोलता है कि आपको फ्रीडम है एंजॉय करने की एक फैमिली बनाने की ठीक है आपको फ्रीडम है आप अपना रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हो प्रोफेस कर सकते हो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टेट है आपको किसी काइंड की लिबर्टी के लिए कोई लॉ लेके आ रहा है और उस लॉ से आपको फ्रीडम दे रहा है तो इस केस में हम बोलेंगे फ्रीडम को वो एक पॉजिटिव लिबर्टी है पॉजिटिव लिबर्टी कैसे हुई फ्रीडम क्योंकि पॉजिटिव मैंने क्या कहा जहां स्टेट एक्ट करेगी स्टेट लिबर्टी एक्ट करती है आपको लिबर्टी देती है किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए आपको फ्रीडम एंजॉय करने के लिए तो फ्रीडम को हम पॉजिटिव लिबर्टी उस सेंस में भी कह सकते हैं और अगर लिबर्टी ये आप बोलो छोटा सर्कल है तो लिबर्टी किसके अंडर आता है बेसिकली आपके फ्रीडम के ही अंडर आता है तो लिबर्टी आप बोलते हो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट कि स्टेट आप पे कोई रेस्ट्रेंट पुट नहीं कर सकता आपको लिबर्टी है आप एंजॉय करो चीज़ें और जब हम स्टेट के अलावा इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस लेके आते हैं कि आपको रिलीजन की फ्रीडम है आपको फैमिली बनाने की फ्रीडम है आपको पॉलिटिकल इस सेटअप में आने की फ्रीडम है ठीक है आपको इकोनॉमिक फ्रीडम है तो वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं फ्रीडम विद रेस्पेक्ट टू ऑल अदर इंस्टिट्यूशंस और अगर हम बात करेंगे सिर्फ स्टेट के परस्पेक्टिव में कि स्टेट आप पे पुट नहीं कर सकता कोई भी रेस्ट्रेंट uh, नहीं पुट कर सकता वहां पर हम टर्म यूज करते हैं लिबर्टी ऑल दो आई डोंट थिंक इतना डीपली आपको पूछा जाएगा लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ वाई टेक ए चांस जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ताकि आप ऐसे पढ़ो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए ठीक है अगर आप दिमाग में रखोगे नहीं इस एग्जाम में एस एस बी का एग्जाम है हो सकता है ये नहीं पूछे तो आप ऑलरेडी खुद को रेस से बहुत पीछे कर रहे हो क्योंकि बच्चे ऐसे होंगे कॉम्पिटिशन में जो ये सारी चीजें पढ़ेंगे और आपको उन्ही बच्चों के साथ कंपीट करना है तो ये हो गया आपका लिबर्टी लिबर्टी हो गया इक्वालिटी हो गया ठीक है फ्रीडम हो गया और क्या हमारा रहता है इसमें और कौन सा टर्म है फ्रेटर्निटी हाँ लिबर्टी याद रख लेना लिबर वर्ड से निकला है लिबर लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है फ्रीडम ठीक है अब हम देखते हैं आगे फ्रेटर्निटी क्या होता है फ्रेटर्निटी इज नथिंग इट इज सिंपली भाईचारा ब्रदरहुड ब्रदरहुड तो फ्रेटर्नी फ्रटर्निटी में हम दो चीजें बोलते हैं एक तो आपका यूनिटी है एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी या आप अगर प्रीएम्बल डॉक्यूमेंट देखोगे तो वहां में भी, भी आपको मिल जाएगा फेटर्निटी uh, के अंडर लिखा होगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अब यूनिटी आपको पता है कि हमें हमारे बीच में क्या है एक आप, हमें डिवाइड नहीं होना है हमें यूनाइटेड रहना है अब इंडिया में जो यूनिटी है उसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी ठीक है दैट मीन्स हम डाइवर्स नेशन हैं डाइवर्स का क्या मतलब हुआ हम अलग हैं सबसे जैसे यहाँ पे आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे यहाँ पे आपको हिंदूज भी मिलेंगे ठीक है यहाँ पे मुस्लिम्स हैं हिंदूज हैं जेन्स हैं बुद्धिस्ट्स हैं सिक्स हैं ये हो गए रिलीजन के बाद देन कल्चर वाइज भी आपको अलग मिलेंगे आपको डिफरेंट ट्राइबल एरियाज भी मिलेंगे बहुत सारी कास्ट भी मिलेंगी तो हम एक नहीं है हम डाइवर्स हैं ठीक है ठीके? लेकिन उस डाइवर्सिटी में हमें क्या प्रैक्टिस करनी है यूनिटी ये आपको बोलते हैं यूनिटी अदरवाइज ये यूनिटी जो है ये डिफरेंट होता है यूनिफॉर्मिटी से ये भी आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्मिटी जैसे श्रीलंका फॉलो करता है वन स्टेट वन रिलीजन वाली पॉलिसी तो यहाँ पे भी यूनिटी होगी जहाँ पे वन स्टेट वन रिलीजन वाली पॉलिसी होगी लेकिन वो जो यूनिटी है वो किस पे बेस्ड होगी वो बेस्ड होगी यूनिफॉर्मिटी पे लेकिन हम यूनिफॉर्म नहीं है हम डाइवर्स हैं तो हमारी यूनिटी किस पे बेस्ड है डायवर्सिटी पे अन इंटीग्रिटी भी बेसिकली आपको यही कहता है कि आपको अनडिवाइडेडनेस होनी चाहिए कि ऑल दो आप डिफरेंट हो लेकिन आपको आपस में डिवाइडेड नहीं होना है उसको अनडिवाइडेडनेस भी आप बोल सकते हो तो इंडिया फॉलो करता है फ्रेटर्निटी जिसमें आता है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और इसको ऐड किया गया बाद में फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन से तो प्रियम्बल में आपको ये तीन चीजें याद रखनी है जो फैक्ट बेस्ड है फिर आगे इसमें और भी फैक्ट्स हैं जो मैं आपको कवर करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो क्या क्या फैक्ट्स है इसमें पहले हो गया आपका जो वर्ड है सेक्यूलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं पहले प्रियांबल में प्रेजेंट नहीं थे इन तीनों को लाया गया फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सेम सेम अमेनमेंट एक्ट से तीनों वर्ड जो है प्रियम्बल में एड हो गए और प्रियम्बल अकॉर्डिंगली आप उसकी जो डेफिनेशन वगैरह थी प्रियम्बल का जो कंटेंट था वो चेंज हो गया तो ये आपको इसमें चीजें याद रखनी है यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टॉप करेंगे इसके बाद हम फैक्ट्स हमें डिस्कस करने हैं एंड हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है जैसे आपका फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद फंडामेंटल राइट डी पी वगैरह वो भी सब हम डिस्कस करेंगे तो डू लाइक चूड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है तो आपको काफी अच्छा अच्छा जो है कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेगा इसीलिए डो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय बाय टेक हैव अ ग्रेट डे